छेड़हाला में प्रत्येक वनस्पति शब्द का प्रयोग किया। वास्तविकता में वनस्पति दो प्रकार की है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। यहाँ पर स्थावरों के भेद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति थयो इस प्रकार की पंक्ति है। तो यहाँ पर साधारण वनस्पति का एक जीव छूट गए ऐसा भ्रम मन में उत्पन्न होता है। अभी तो पूर्ण सत्य यह नहीं है, क्योंकि इसकी पूर्व पंक्ति में जो निबोध की चर्चा की गई है, काल अनंत निबोध मझार, वह निबोध पर्याय ही वास्तविकता में त्रियंज गति के अंतर्गत साधारण वनस्पति काय ही है। अब हमको दोनों की परिभाषा समझनी कि साधारण और प्रत्येक क्या है। तो ध्यान से, जिस वनस्पति में एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं वह साधारण वनस्पति कहलाती है। अर्थात शरीर तो एक होगा, लेकिन उसमें अनेक जीव आकर जन्म लेंगे और वे सब जन्म भी उनका एक सा, मरण भी उनका एक साथ, स्वाक्षुक्ष्वास आदि सब कुछ उनका एक साथ होता है। ये कहलाते हैं साधारण वनस्पति। इनको ही हम साधारण भाषा में निगोदिया जीव भी कहते हैं। ये कोई हरी सब्जी की तरह या पेड़ की तरह नहीं होते जो हमें यहाँ वहाँ दिखाई पड़े, नहीं, इस तरह नहीं होते। दूसरे हैं प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति क्या है? जिस वनस्पति में एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है उसे प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे इस शरीर के एक हम ही स्वामी हैं, ऐसे ही जिस वनस्पति का एक वह स्वयं नियत स्वामी है वो प्रत्येक वनस्पति है, और जिसके एक ही शरीर के अनेक स्वामी हैं वह साधारण वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति भी दो प्रकार की होती है, एक अप्रतिष्ठित और एक सप्रतिष्ठित। जितनी वनस्पति हमारे देखने में भोजन में आ रही है वह सब प्रत्येक वनस्पति के ही अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित आदि भेद हैं।